साहब, इस सब सम्मान की क्या ज़रूरत थी? आप सबकी वजह से तो हम रेडी हो गए हैं। वैसे भी पहले ही आपके इतने एहसानों के रेडी हैं। अगर आप ना होते तो हम शहर जाके पढ़ ना पाते और आज फिलोसफर नहीं बन पाते। चलिए आइए, आइए मंच पे विराजमान होते हैं। आइए, हम शहर में पहुँचे हैं लेकिन गांव नहीं भूले अपना। इन्हीं इसी गांव पे तो हमारा बचपन बीता है। पढ़े लिखे हम यहीं हैं, खेले कूदे भी यहीं हैं। हमारे तो बहुत सारे मित्र हैं यहाँ पे। कहिए, क्या फरमाइश पूरी करी जाए आप? हैं चचा, हाँ जरा ऊंचा बोलिए। अच्छा, बुढ़ापा आ गया लेकिन प्यार नहीं गया। प्यार क्या होता है ये जानने की अभी भी चुल्ल मची है आपको। बताते हैं, फिलोसफर बने हैं तो बताते हैं, परंतु याद रखिएगा, कड़वा बोलेंगे लेकिन सत्य बोलेंगे। बुरा लगे तो क्षमा करिएगा। प्यार, प्यार से खूबसूरत चीज़ इस दुनिया में किसी ने बनाई नहीं, ना ही बनी है। प्यार वो एहसास है जिसे कोई बयां नहीं कर सकता। प्यार वो मंजिल है जिस पे कोई पहुंच नहीं सकता। हर कोई की बस की बात नहीं है ये। प्यार वो पूजा है जिसे हर कोई कर नहीं सकता। और आजकल का प्यार तो धुंधला होता जा रहा है। प्यार की परिभाषाएं अलग हैं पर उसका मोल एक ही रहता है। चाहे वो प्यार माँ का हो अपने बच्चों के प्रति, चाहे बाप का हो अपने बच्चों के प्रति, या फिर बच्चों का हो अपने माँ बाप के प्रति, दादी बाबा का अपने नाती पोता के प्रति, या फिर किसी पत्नी का अपने पति के प्रति, या फिर पति का पत्नी के प्रति, किसी प्रेमिका का अपने प्रेमी के प्रति, या फिर प्रेमी का अपने प्रेमिका के प्रति। प्यार प्यार होता है। ये प्रेम वो इमारत है जिस पे चढ़ना तो हर कोई चाहता है लेकिन चढ़ नहीं पाता। प्रेम के बिना इस संसार में कोई भी चीज़ पूरी नहीं है। बड़े से बड़ी चीज़ प्रेम से प्राप्त की जा सकती है। बहुत सारे उदाहरण हैं प्रेम के, बहुत सारी प्रेम कहानियाँ हैं जिन्होंने अपने आप को अमर कर दिया। चाहे वो हीर रांझा हो, चाहे लैला मजनू हो, चाहे फिर रोमियो जूलियट हो। सुना होगा ना, फिल्मों में तो अक्सर देखा करते हैं। पर आज इस प्यार को सबने मजाक बना दिया है। इस समाज ने, इस देश ने, इस संसार ने, और यहाँ के लोगों ने, आप जैसे लोगों ने इस प्यार को मजाक बना दिया। इस प्यार को ऊंच नीच, जात अमीर गरीब, इन सब के तराजू में तोल के रख दिया है। आज कोई इंसान किसी से प्यार नहीं कर सकता, ना ही सीधे मुंह, ना ही प्रेम से कोई प्यार करता है। क्यों नहीं करता? क्या इसमें समाज की गलती है? बहुत बड़ी। क्या आज दो प्यार करने वाले एक दूसरे से मिलते हैं, उन्हें भय होता है? क्या उन्हें अपने माँ बाप से ज़्यादा इस समाज का भय होता है? कि क्या उनके माँ बाप इस समाज के डर से उन्हें एक्सेप्ट करेंगे? नहीं। क्यों? क्या आप में और मुझ में कोई फ़र्क है? क्या मेरे और आपके खून का रंग अलग है? मेरा लाल, आपका पीला? जब ऊपर वाला प्रेम करता है, हम सब उसके बच्चे हैं, हमसे प्रेम करता है, हमें भेदभाव नहीं करता, तो हम मानव कौन होते हैं आपस में भेदभाव करने वाले? जब वो सूरज हम में भेदभाव नहीं करता, सबको बराबर रोशनी देता है, जब ये हवा हम में भेदभाव नहीं करती, जब ये प्रकृति हम में भेदभाव नहीं करती, जिससे बड़े तो आप कभी हो नहीं सकते, फिर आप कौन होते हो समाज की ये झूठी
परिभाषा देने वाले जानना चाहते हैं ना प्रेम क्या होता है। प्रेम वो खूबसूरत एहसास है जिसके बिना कुछ नहीं हो सकता। प्रेम सुकून है, प्रेम आत्मा की तसल्ली है, प्रेम इस जिस्म की चाहत है, प्रेम पूजा है। और जिस दिन सबको जानना है ना प्रेम क्या है, सब जानना तो बहुत चाहते हो कि प्रेम क्या है, कभी समझा है प्रेम क्या है, और जिस दिन ये समाज, जिस दिन आप जैसे लोग इस प्रेम को समझ जाएंगे, तब तक ये दुनिया खूबसूरत नहीं बनती। तब ये दुनिया खूबसूरत बन जाएगी जब आप ये समझ जाएंगे। और समझना पड़ेगा, बिल्कुल समझना पड़ेगा आपको। तो क्या है ना, प्रेम प्रेम है, प्रेम के बिना कुछ नहीं। वो कहते हैं प्यार, प्रेम, मोहब्बत, इश्क, इन सब के नाम अलग हैं, पर चेहरा एक है। हमारी अगर शब्दों में कोई त्रुटि हो या फिर हमारे शब्द आपके दिल को आघात पहुँचाए हों तो माफ़ करिएगा, परंतु हमारे शब्दों में सच्चाई है और हमारे शब्दों में गहराई है। बाकी आपके आभारी हैं, धन्यवाद करते हैं। अगर आप ना होते तो फिर इस लायक नहीं होते कि आपके सामने बोल पाते, परंतु जो बोले हैं दिल से बोले हैं और सत्य बोले हैं। आज के समाज की यही परिभाषा है कि वो आज प्रेम को नहीं समझता। तो मेरा तो यही मानना है कि प्रेम को पूजना जाने, प्रेम की पूजा करना जाने। धन्यवाद।